जितने भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सभी जो है शांत घूमने का काम कर रहे हैं। हिम्मत नीतीश कुमार जी को तो सबों को रोकने का या तो अरेस्ट करने का काम करें, तभी जानेंगे कि बिहार में सुशासन और नीतीश कुमार जी का हुक्मराना चल रहा है। जब माननीय जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री पद त्याग दिए लेकिन नीतीश कुमार के सामने में घुटना नहीं टेके, अभी तो जीतनराम मांझी जी के आशीर्वाद और सहयोग से मुख्यमंत्री पद पर हैं। इसलिए यदि इनके बातों को और इनके सम्मान के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो जीतनराम मांझी जी और मुकेश सहनी जी कतई बर्दाश्त। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री के पत्र को बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं ठेंगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्षी दल के नेताओं का ये आरोप है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब बिहार में कमजोर पड़ गए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान पत्र जारी किए थे और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि कोई भी मंत्री या विधायक अपने क्षेत्र का भ्रमण न करें, कोरोना की गाइडलाइन का नियम का पालन करें। वहीं अब बीजेपी के सांसद और मंत्री लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते दिख रहे हैं, तो इस पर राजद ने तंज कसते हुए कहा है कि खुद अब नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ चुके हैं, यही कारण है कि उनकी बातों को उनके पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अनसुना कर रहे हैं। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राजद के नेता विजय प्रकाश। नीतीश कुमार जी के आदेश जो निकाला जाता है वह ठाक के तीन पात के रूप में होता है और खास करके भारतीय जनता पार्टी ही इनके नियमों को तोड़ने का काम करता है। और आदेश निकाले हैं लेकिन फिर भी जितने भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सभी जो है शांत घूमने का काम कर रहे हैं। हिम्मत नीतीश कुमार जी को तो सबों को रोकने का या तो अरेस्ट करने का काम करें, तभी जानेंगे कि बिहार में सुशासन और नीतीश कुमार जी का हुक्मराना चल रहा है। अन्यथा ये जो है तीसरे नंबर की पार्टी गणेश परिक्रमा करके इनको जो है बैठाया गया है, उसी तरह से नतमस्तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। और इनका आदेश सिर्फ गरीबों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी और अमीरों के लिए नहीं है। देखिए, जीतनराम मांझी जी और मुकेश सहनी जी ने जो मुलाकात किया है वह आज न कल जो है अपने निर्णय पर जो है अडिग होने का काम करेंगे, क्योंकि उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। जो भी काम कहने का काम करते हैं उनका काम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब माननीय जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री पद त्याग दिए लेकिन नीतीश कुमार के सामने में घुटना नहीं टेके, अभी तो जीतनराम मांझी जी के आशीर्वाद और सहयोग से मुख्यमंत्री पद पर हैं। इसलिए यदि इनके बातों को और इनके सम्मान के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो जीतनराम मांझी जी और मुकेश सहनी जी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही लोग निर्णय लेने का काम करेंगे। सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद नेता विजय प्रकाश। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार बताते हैं, अब उन्हीं के नेता खुद उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से जो नेता और मंत्री लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं उस पर किस प्रकार कार्रवाई की जाती है या फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा आती है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।